ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं नमो आयरियाणं ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं ओम ह्रीं नमो लोये सब्बशाहूणं एसो पंचनमुक्कारो सब पाव पणासनो मंगलानंच सब्वे सिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहन, दसवें कालिक सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने पांच चैप्टर की चर्चा कंप्लीट की, छठा चैप्टर की हमारी चर्चा चल रही है। इनमें से हमने 17 श्लोक की चर्चा की थी, आज हम 18वें श्लोक से चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। लोभस्य सो अनुपासो मन्ने अन्ने रामवे देशिया सन्निहिता में निहिपब्बये नसे। लोभस्य सु अनुपासो मन्ने अन्ने रामवे देशिया सन्निहिता में निहिपब्बये नसे। सन्निहिता में, सन्निहिता का सन्निधि, सन्निधि का संग्रह, जो कुछ संग्रह किया जाता है वह क्या है? लोभस्य सु अनुपासो, ऐसो लोभस्य अनुपासो, यह लोभ का ही अनुपासन प्रभाव है। ऐसा मैं मानता हूं, मन्ने में मानता हूं, जो श्रवण सन्निधि का काम है वह गृहस्थ है, यही का मतलब गृहस्थ है। नसे पब्बये, वह प्रवर्जित नहीं है। जो कुछ भी संग्रह किया जाता है वह लोभ का ही प्रभाव है, ऐसा मैं मानता हूँ। जो श्रमण सन्निधि का कामी है वह गृहस्थ है, प्रवर्जित नहीं। सन्निधि का मतलब संग्रह की जो इच्छा करता है, क्योंकि साधु को रात को कुछ भी रखना नहीं होता है, इवन दवाई भी नहीं रख सकता है, तो मेडिसिन भी नहीं रख सकता है, तो खाने पीने की चीजें तो रखता ही नहीं होता है। अगर कोई रखता है तो वो गृहस्थ है, वो साधु नहीं है। नेक्स्ट श्लोक। जम्पेवत्थम पायं वा कम्बलं पायपुञ्छणं तम्पि संजम लज्जत्था धारन्ति परिहरन्ति। जम्पेवत्थम च पायं च, वत्थम यानी वस्त्र, पायम यानी पात्र, कम्बल यानी कम्बल, और पायपुञ्छणं पाद प्रवंचन का मतलब है रजोहरा। तंपे संजम लज्जत्था, ये जो भी ये उपकरण रखते हैं, वस्त्र पात्र कंबल रजोहरण, वो किस लिए रखते हैं? संजम लज्जत्था, संयम और लज्जत्था यानी लज्जा की रक्षा के लिए। धारंति का मतलब है धारण करते हैं, परिहरंति का मतलब है उपयोग करते हैं, यानी जो भी साधु के पास होते हैं वस्त्र होते हैं, वस्त्र की भी लिमिट होती है, पात्र की भी लिमिट होती है, एक साधु तीन पात्र से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, और वस्त्र का भी नियम है कि चार जोड़ी से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। तो साधु के लिए तो तीन जोड़ी का है, हमारे लिए चार जोड़ी का है, तो चार जोड़ी से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, तीन जोड़ी से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। कम्बल भी रखनी है तो दो कम्बल रख सकते हैं, रजोहरण एक रख सकते हैं, एक कुंजनी रख सकते हैं। वो जो भी वस्त्र पात्र कंबल जो भी धारण किए जाते हैं वो किस लिए किए जाते हैं? वो संयम की रक्षा के लिए उसका उपयोग करते हैं, धारण करते हैं, वो सब कुछ उनका उद्देश्य एकमात्र होता है कि हमारा जो संयम है, हमने जो संयम स्वीकार किया है उसकी रक्षा के लिए वो धारण स्वीकार करते हैं। ये सारा उपयोग वस्त्र पात्र कंबल आदि का संयम की रक्षा के लिए होता है। नेक्स्ट श्लोक है। नसो परिगहो उत्तो नाये पुत्तेन ताइना उच्छा परिगहो उत्तो उत्तम महेशिणा। नसो परिगहो उत्तो, भगवान कहते हैं
नसो उत्तो परिग्रह नहीं कहा है किसको नायब उत्तीर्ण कारण मैंने ज्ञात पुत्र भगवान महावीर जो त्राता है यानी सर जीवनी का है कि त्राता है भगवान महावीर ने कहा है जो वस्त्र पात्र कंबल जो भी रखते हैं उसको परिग्रह नहीं कहा है। परिग्रह किसको कहा है मुच्छा परिग्रह उत्तो मूर्छा को परिग्रह कहा है। ये वाक्य आप लिख सकते हैं मुच्छा परिग्रह उत्तो परिग्रह कोई बोलते परिग्रह वस्त्र पात्र कंबल जो भी आप रखते हैं वो परिग्रह नहीं है। परिग्रह क्या है आपका उसके प्रति अटैचमेंट है मूर्छा का अटैचमेंट है आसक्ति है वो परिग्रह है। ये उत्तम महेश ऐसा भगवान महावीर स्वामी ने महेश ने भगवान महावीर स्वामी ने ऐसा उत्तम ने कहा है उत्तम ने कहा है सब जीवों के त्राता ज्ञात पुत्र महावीर ने वस्त्र आदि को परिग्रह नहीं कहा है मूर्छा परिग्रह है ऐसा महर्षि ने कहा है। तो आपको क्लियर हो गया क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि साधु संत कपड़े रखते हैं तो क्या परिग्रह नहीं भगवान ने कहा कि वस्त्र पात्र कंबल वो तो संयम की रक्षा के लिए रखना है वो परिग्रह नहीं है। परिग्रह वो है कि उसके प्रति यदि हमारा अटैचमेंट है तो वो परिग्रह है। सपोज एक पेन भी है उसके प्रति अटैचमेंट है हमारे कोई भी कपड़े है वस्त्र है पात्र के वो परिग्रह है लेकिन वस्त्र पात्र आदि को उन्होंने परिग्रह नहीं कहा है। भगवान आगे कहते हैं सबत्थु बहिणा बुद्धा संरक्षण परिग्रह अभी अपनी नायरंती ममा एयम सबत्थु बहिणा बुद्धा सबत्थु का मतलब है सर्वत्र सब काल और सब क्षेत्रों में तीर्थंक उपधि के साथ प्रवर्जित होते हैं जितने भी तीर्थंकर होते हैं वो सब उपधि का मतलब एक देव दुष्य वस्त्र एक दुष्य वस्त्र होता है। भगवान महावीर स्वामी ने भी लगभग उनके पास भी लगभग 14 महीना तक शायद वस्त्र रहा था जो जिस समय दीक्षा ली थी वो एक वस्त्र धारण किया था वो वस्त्र 14 महीना तक रहा और जब विहार कर रहे थे तब वो वस्त्र है हवा से उड़ करके कांटों में कांटों में अटक जाता है। उसके बाद उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया लेकिन सब काल और सब क्षेत्रों में तीर्थंकर जो होते हैं वो बुद्धि यानी वस्त्र के साथ ही वो प्रवर्जित होते हैं। प्रत्येक बुद्ध जिन कल्पिक आदि भी संयम की रक्षा के निमित्त उपधि यानी रजोहर मुख वस्त्र आदि ग्रहण करते हैं। जिन कल्पिक होते हैं ऐसे वो कपड़े नहीं पहनते हैं लेकिन वो रजोहरण भी रखते हैं मुख वस्त्र रखते हैं यानी कपड़ा भी रखते हैं हाथ के आगे मुंह के आगे उनको ग्रहण करते हैं। वे उपधि पर तो क्या अपने शरीर पर भी महत्व तो नहीं करते हैं। जो साधु होते हैं वो उपधि भी के अपना शरीर है उसके ऊपर भी वो महत्व तो नहीं करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि शरीर है वो टेम्पररी है क्षण भंगुर है नाशवान है इसीलिए आत्मा है वो परमानेंट है इटर्नल है। उनके प्रति उनका ध्यान होता है कि मेरी आत्मा है वो कर्मों से कैसे हल्की हो सकती है कैसे शुद्ध हो सकती है वही उनका लक्ष्य होता है। इसीलिए वो वस्त्र पात्र कम्बल के ऊपर तो वो आसक्ति रखते नहीं अपने शरीर पर भी वो अटैचमेंट नहीं रखते हैं। और सभी तीर्थंकर होते हैं वो वस्त्र के साथ ही विकसित होते हैं बाद में इच्छा हो तो धारण करें लेकिन तीर्थंकर प्राय प्राय वो जब तक वो वस्त्र रहता है तब तक वो रखते हैं उसके बाद वो नया वस्त्र ग्रहण नहीं करते हैं। अहो तवो कम्बम सब बुद्धिं वन्दियम जाय लज्जा समावित्ति एक भत्तम च भोयणम अहो अहो मने आश्चर्य है निच्चम मने नित्य तवो कम्बम तप कर्म तवमिस्तप कम्म मने कर्म सब बुद्धि का सभी तीर्थंकरों ने क्योंकि तीर्थंकर का नाम एक बुद्ध भी है बुद्ध यानी स्वयं ही उनकी आत्मा जागृत होती है उनको किसी के उपदेश की जरूरत नहीं होती है वो स्वयं बुद्ध कहलाते हैं। जो 15 प्रकार के सिद्ध मानते हैं उनमें एक सिद्ध का नाम आता है स्वयं बुद्ध सिद्ध जो 15 प्रकार से जो सिद्ध होते हैं तो उनमें एक है स्वयं बुद्ध सिद्ध वो तीर्थंकर होते हैं स्वयं बुद्ध सिद्ध उनको किसी के उपदेश की जरूरत नहीं होती है वो होते हैं स्वयं बुद्ध सिद्ध। तो इसीलिए हम बोला कहा है सब मैंने सभी तीर्थंकरों ने वर्णित मैंने उपदेश दिया है जाए लज्जा समावित्ति एक भत्तम च पूर्णम
जाए लज्जा समावित्ति, लज्जा समावित्ति यानी संयम की रक्षा करने के लिए ही ये जो वस्त्र पात्र जो भी करते हैं धारण, वो संयम की रक्षा करने के लिए है। एक भत्तम जो भोजन, एक टाइम भोजन करने का विधान किया है। अहो सभी तीर्थंकरों ने समूह के लिए संयम के अनुकूल वृत्ति और देह पालन के लिए एक बार भोजन या राग द्वेष सहित होकर भोजन करना इस नित्य तपह कर्म का उपदेश दिया है। तो पहले के टाइम में एक टाइम भोजन करते थे, तो कई परंपराएं से मानते कि एक टाइम भोजन करना, कई कहते हैं कि सुबह से लेकर के सनराइज से सनसेट तक में जो भोजन किया जाता है वो भी हो सकता है या एक टाइम भी हो सकता है, जो भी है। लेकिन कहा है एक बार भोजन करना, वो भी भोजन करते हैं तो कैसे करना, राग द्वेष सहित होकर भोजन करना, क्योंकि कभी अनुकूल भोजन होता है कभी प्रतिकूल भोजन होता है। जो भी भोजन आए, टेस्टी आए चाहे बिना टेस्टी आए, टेस्टलेस आए, उन सबको हमें क्या है, एकदम समता से खाना है। यदि समता से खाते हैं तब तो कर्म की निर्जा होती है, क्योंकि साधु अगर खाना भी खाता है तो उनके भी सात आठ कर्मों की निर्जा होती है। साधु की हर क्रिया निर्जा होती है, खाना खाए चाहे सोए कुछ भी करे, उनकी हर क्रिया निर्जा होती है, क्योंकि उन्होंने लाइफ लोग सब प्रकार के पाप सेवन करने का त्याग किया होता है। इसीलिए साधु जो कुछ भी करता है उनमें उनकी कर्मों की निर्जा होती है। यदि वो विशेष साधना करते हैं, तपस्या उसमें करते हैं, विशेष ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो विशेष निर्जा होती है, वरना उनकी एनी टाइम निर्जा तो होती रहती है, क्योंकि संवर की साधना तो निरंतर की चलती है, तो विशेष अनुष्ठान करने से उनकी विशेष कर्मों की निर्जा होती है। तो सभी तीर्थंकरों ने क्या है, संयम के अनुकूल वृत्ति और देह पालन के लिए एक बार, ये शरीर का पालन कम हो सकता है, शरीर की रक्षा कम हो सकती है जब भोजन करेंगे, क्योंकि ये शरीर एक ऐसा है जिसको भोजन चाहिए, बिना भोजन शरीर रह नहीं सकता है। यानी संसारी जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणियों को भोजन चाहिए, बिना भोजन एक क्षण भी, एक समय के लिए कहा जाता है जब अंतराल गति होती है उस समय कुछ जीव होते हैं वो अनाहारक अवस्था में एक समय के लिए रह सकते हैं, कुछ चार समय के लिए रह सकते हैं, लेकिन बाकी का जो भी टाइम होता है वो सब में वो भोजन करते हैं। यहाँ से भोजन लेके गया जी, जैसे उत्पन्न होता है वो भोजन ले लेता है। तो एक समय वाले ऋजु गति में तो आहारक होता है, और अगर चार समय की है अंतराल गति तो बीच का जो दो समय होता है वो अनाहारक होता है। यहाँ से भोजन लेके गया बीच का, क्योंकि वो वक्र गति है, चार घुमाव आता है, तो दूसरा और तीसरा समय जो होता है वो अनाहारक होता है, पहला और चौथा समय आहारक होता है। कहने का मतलब है संसारी जीव है वो भोजन बिना रह नहीं सकता है। तो जो भी छोटा सा छोटा प्राणी भी है, कीड़ा है मकोड़ा है, छोटा सा छोटा प्राणी, उनको भी भोजन चाहिए, बिना भोजन वो भी नहीं रह सकते हैं। तो मनुष्य तो ऐसे, मनुष्य का शरीर भी बिना भोजन नहीं चल सकता है। तो मनुष्य का शरीर यदि भोजन नहीं करेंगे तो लंबे समय तक नहीं चल सकता है। इसके लिए कहा है कि ये भोजन भी करना है तो क्यों करना है, संयम की, संयम का हम पालन कर सके, क्योंकि भोजन करेंगे तो आंखों की रोशनी रहेगी बराबर, शक्ति रहेगी शरीर में, जैसे साधना कर सकते हैं, व्याख्यान दे सकते हैं, विहार कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। यदि रोज उपवास करेंगे तो नहीं हो सकता, कभी उपवास करें एकांत तप करें उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रोज उपवास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना भोजन हमारा शरीर लंबे समय तक नहीं चल सकता है। इसीलिए भोजन का विधान किया गया है, और भोजन छोड़ने का भी विधान है कि जब लगे कि यह शरीर अब कुछ करने योग्य नहीं है, न बैठ सकता है न उठ सकता है, दूसरों की सेवा की जरूरत पड़ती है, एक माला भी फेरने योग्य नहीं रहा है, कुछ काम नहीं कर सकता है, तब चिंतन पूर्वक इस शरीर का भी त्याग कर दे, यानी तब वो संलेखना संतान स्वीकार करके इस शरीर का भी वो त्याग कर सकता है। जब लगे कि शरीर कुछ करने में समर्थ नहीं तब वो संधारा के साथ इस शरीर का त्याग कर सकता है। जब लगे सब कुछ कर सकते हैं तब तक तो इस शरीर का पालन पोषण किया जाता है, जब लगे इस शरीर सब कुछ करने योग्य नहीं है शरीर, तब क्या है,
विवेक के साथ इस शरीर का भी संसार के साथ त्याग किया जाता है। ये कहने का मतलब है जो भोजन किया जाता है वो संयम की रक्षा करने के लिए, वस्त्र पात्र भी जो धारण करते हैं वो भी संयम की रक्षा करने के लिए। तो एक टाइम का भोजन, एक बत्तम जघोन, एक बत्तम में एक 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 बार भोजन करना, बार बार भोजन नहीं करना। तो आज भी दिगंबर परंपरा के जो साधु संत है वो एक टाइम भोजन करते हैं, वो खड़े खड़े ही करते हैं, कर पात्र होता है उनका, उसी समय वो खाना खाते, उसी समय पानी पीते, बाद में वो दिन भर पानी भी नहीं पीते, खाना तो खाते नहीं, बाद में पानी भी नहीं पीते हैं, दवाई तो लगाने की मतलब दवाई का भी उपयोग नहीं करते हैं। तो आज भी दिगंबर परंपरा के साधु हैं वो एक टाइम ही भोजन करते हैं, जिस रूप में भगवान करते थे एक टाइम, जैसे वो इस रूप में हाथ रख करके जाते हैं, आज भी दिगंबर परंपरा के साधु ऐसे हाथ रख करके वो भिक्षा के लिए जाते हैं, जहां लगता है कि अभी ग्रहण का पूरा हुआ है वहां भिक्षा वो करते हैं। वो मौन मौन ऐसे चलते हैं और बहने चारों ओर से अपनी गोचरी की सब व्यवस्था करके रखती है, और जिसके उनका संकल्प होता है कि अमुक बहन की अमुक कलर की साड़ी होगी, अमुक टिक्की लगी होगी, अमुक मतलब उनके हाथ में बच्चा होगा या भिक्षा मतलब खाने का कोई अमुक बस पदार्थ होगा, तो उनके घर की मैं भिक्षा ग्रहण करूंगा। इस प्रकार वो अभिग्रह के साथ वो दिगंबर साधु भिक्षा के लिए जाते हैं। जैसे तीर्थंकर होते थे उनका भी अभिग्रह होता था, जैसे भगवान महावीर स्वामी ने भी अभिग्रह किया था, उनका अभिग्रह 5 महीना 25 दिन के बाद फला था चंदन बाला के हाथों से, क्योंकि उन्होंने 13 एक साथ संकल्प किए थे कि ऐसी लड़की हो जो माथों से सिर के ऊपर मुंडन हो, यानी मुंडी हुई वो बाल हो, जिसके तल घर में हो, 3 दिन से भूखी हो और आंखों में आंसू हो, ऐसे करके हाथों में बेड़ी हो, पग में बेड़ी हो, ऐसे करके 13 अभिग्रह स्वीकार किए थे। तो जब फलने में कितना टाइम लगा, 5 महीना 25 दिन के बाद वो अभिग्रह का फलीभूत होता है। यानी कहने का मतलब है जो तीर्थंकर होते हैं उन सब अभिग्रह के साथ ही वो भिक्षा ग्रहण करते हैं, और आज भी तीर्थंकर जिस रूप में करते थे संकल्प के साथ, वैसे ही आज भी दिगंबर परंपरा के साथ भिक्षा उसी रूप में करते हैं। संति में सुहमा पाणा दशा संति में सुहमा पाणा दशा अधु थावरा जायम राव अपा संतो कहम कहमे संयम चरे। संति में सुहमा पाणा, सुहमा ने सूक्ष्म, पाणा ने प्राणी, संति में मैंने है इमे, इमे मैंने ये सूक्ष्म प्राणी है। तसा अदु थावरा, तसा ने त्रस, अदु मैंने अथवा, थावरा ने स्थावर। जायम राव अपा संतो कहमे संयम चरे, जायम मैंने जिन्हें, राव मैंने रात्रि में, अपा संतनी नहीं देखता हुआ, कथम कहम मैंने कथम कैसे, ऐसा चरे ऐसा कर सकता है। जो द्रस और स्थावर सूक्ष्म प्राणी है उन्हें रात्रि में नहीं देखता हुआ निर्ग्रंथ ऐसा कैसे कर सकता है। साधु संत है वो रात को गोची क्यों नहीं जाते हैं, इसमें कहा है कि जो द्रस और स्थावर जीव बहुत सूक्ष्म जीव है, उन्हें रात्रि में देखा नहीं जा सकता है, तो फिर रात्रि में नहीं देख सकते हैं तो वो साधु उसकी ऐसा ऐसा का कैसे कर सकता है। निर्ग्रंथ है जो साधु है वो ऐसा कैसे कर सकता है, भिक्षा की गवेषणा खोज ऐसा का खोज वो कैसे कर सकता है। इसलिए साधु संतों को रात में भिक्षा जाने का मनाई है, रात्रि भोजन करते नहीं, इसीलिए रात्रि भोजन का साधु संत त्याग करते हैं, क्योंकि रात में रस और स्थावर जीव बहुत उत्पन्न होते हैं, वो सूक्ष्म होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए साधु संत होते हैं रात्रि में भोजन नहीं करते हैं और रात्रि में गोचरी भी नहीं करते हैं। उदुल्लंब्य संसक्तम पाणा नियोड़िया महिम दिया ताई निवज्जिता राव तत्त कहम चरे। उदक से आर्द्र, उदुल्लंब का उल्लंब का आर्द्र, उद मैंने उदक, उदक यानी पानी, पानी से आर्द्र गिला। व्य संसक्तम, व्य मैंने बीज, संसक्तम युक्त, बीज से युक्त भोजन। पाणा नियोड़िया महिम, पाणा ने प्राणी, महिमन पृथ्वी पर निपतिकता यानी गिरते हैं। दिया टाइम विवज्जिता, दिन में तो जिसको हम टाल सकते हैं, यानी दिन में तो हम इंद्रिय समिति के साथ जा सकते हैं, देख सकते हैं, इसलिए उनको हम टाल सकते हैं। सपोज इधर जीव है तो उधर हम रास्ते में नहीं चलेंगे, हम दूसरे रास्ते से चलेंगे जहाँ जीव नहीं, तो दिन में तो टाला जा सकता है,
राहु तथ्य का हंस रहे, लेकिन रात्रि में अगर वो भिक्षा करता है तो वो उसको कैसे टाल सकता है, क्योंकि वो दिखाई ही नहीं देगा। उदक से आर्द्र और बीज युक्त भोजन तथा जीवाकुल मार्ग उन्हें दिन में टाला जा सकता है, पर रात में उन्हें टाला सके नहीं, इसलिए निर्ग्रंथ रात को भिक्षाचर्या कैसे कर सकता है। एवं च दोषम दक्षुणम नायपुत्रेण भाष्यम तब्वाहारम भुंजन्ते निगंधाराय भोजनम। एवं च दोषम दक्षुण, इन दोषों को दक्षुण देख करके नायपुत्र भगवान महावीर ने भाषित मन कहा है, सब्वाहारम न भुंजने, सब प्रकार के आहार को नहीं करते, निर्ग्रंथा निर्ग्रंथ रात्रि भोजन और सब प्रकार के आहार को नहीं करते। ज्ञात पुत्र महावीर ने इस हिंसात्मक दोष को देख कर कहा, जो निर्ग्रंथ होते हैं ये रात्रि भोजन नहीं करते, चारों प्रकार के आहार में से किसी भी प्रकार का आहार नहीं करते। जो निर्ग्रंथ है, जो साधु है, वो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि रात्रि में भोजन करने से हिंसा होती है, जीव बराबर दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए, क्योंकि रात्रि में भोजन करने से ऐसे भी पाप ही होता है। आप कहेंगे लाइट है, पहले के जमाने में उस समय लाइट नहीं थी इसलिए जीव नहीं दिखाई देते थे, आज तो लाइट है, रोड लाइट है, घर में भी लाइट है तो आराम से देख सकते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो लाइट में भी नहीं दिखाई देते, इतने सूक्ष्म जीव होते हैं। जो तो बड़े जीव हैं वो तो देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म जीव होते हैं, क्योंकि रात्रि के टाइम आकाश से सूक्ष्म जीवों की वर्षा होती है, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, और सूर्य के ताप में सूक्ष्म जीवों की बारिश नहीं होती है, इसीलिए दिन में गोचरी करने का विधान है, दिन में भोजन करने का विधान है, लेकिन रात्रि में भोजन करने का विधान नहीं है। ऐसे भी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें तो जो सनसेट से पहले भोजन किया जाता है उसका पाचन अच्छी तरह से होता है, क्योंकि सनराइज में जो भोजन करते हैं उसका पाचन अच्छा होता है। अगर रात्रि में हम भोजन करते हैं सनसेट के बाद, तो सनसेट होने के बाद वो जो किरणें होती है वो हमें नहीं मिलती है, जिससे हमारा पाचन सही नहीं होता है और हिंसा भी होती है, हमारा स्वास्थ्य भी उससे गड़बड़ा जाता है, तो दोनों दृष्टि से नुकसान है। तो रात्रि भोजन अगर आप 1 महीना कंटिन्यू नहीं करते हैं तो 15 उपवास का लाभ मिल जाता है। ऐसे कंटिन्यू 15 उपवास करना तो कितना कठिन है, अगर रात्रि भोजन नहीं करते तो कितना लाभ हो जाता है। स्वास्थ्य में भी अच्छा रहेगा, आपको आध्यात्मिक भी लाभ हो जाएगा, कर्मों की निद्रा होगी, हिंसा से भी बच जाओगे। तो होना वो चाहिए कि हम सनसेट से पहले पहले खाना खा लें, जिस समय सनसेट हो रहा हो उस समय भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एक दिन मैंने कहा था कि सनसेट के समय 4 काम नहीं करना चाहिए, उनमें भोजन भी नहीं करना चाहिए। जिस समय सनसेट हो रहा है, सपोज अभी होता है 7:30 बजे, 7:30 पे होता है, तो 7:30 पे भोजन नहीं करना चाहिए। उस समय वो संध्या का समय होता है, त्रि संध्या बोलते हैं, वो संध्या का टाइम होता है, उस समय मंत्र जाप भी करना चाहिए और कुछ भी न करना चाहिए, न खाना चाहिए, न सोना चाहिए, न पढ़ना चाहिए, उस समय कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो रात्रि भोजन नहीं करने से कितना लाभ होता है, उपवास का लाभ हो जाता है। ऐसे तो कई लोग बोलते हैं हम उपवास नहीं कर सकते, अगर खाते पीते आपको उपवास का लाभ लेना हो तो रात्रि भोजन छोड़ सकते हैं। आप सोचेंगे कि हम तो रोज तो नहीं छोड़ सकते, तो कम से कम अष्टमी है, चतुर्दशी है, अमावस्या है, पूनम है, तो पर्व तिथि है, उन दिनों में तो कम से कम हम रात्रि भोजन न करें। पर्युषण के जो 8 दिन है उनमें तो हम रात्रि भोजन न करें, तो कितना हम बच सकते हैं वो हमें सोचना है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन मिला है, ये बहुत प्रेशियस है, इसमें हम जितना कर ले उतना अपना है, बाकी कहीं चले गए तो बाद में तो निकलना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी तो यही कहते हैं कि मनुष्य जीवन तो दुर्लभतम, जो लाखों लाखों करोड़ों वर्षों के बाद ये मनुष्य भाव मिला है, 84 लाख में घूमते घूमते अनंत काल बीत गया, तो क्योंकि पृथ्वी का अप का तेजस का वायु का में चला जाता तो असंख्यात अवसर पिंड काल बीत जाता है, वनस्पति में चला जाता है तो अनंत काल अनंत अवसर भी उत्तर भी निकाल गिर जाता है। उसके बाद भी वो एक इंद्री बनेगा, फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, तो उसमें भी पंचेंद्री बन गया, वो पक्षी बन गया, पशु बन गया, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है, मनुष्य भी बन गया, नॉन जैन बन गया, वो भी कुछ नहीं कर सकता है। मनुष्य भी बनना, उसमें भी जैन धर्म मिलना, वो बड़ी बात है। कई लोग मनुष्य भी बन जाते हैं लेकिन ऐसे घर में उत्पन्न होते हैं जहाँ हिंसा ही हिंसा करते हैं, वहां और ज्यादा पाप करते हैं, फिर वापस नरक में चले जाते हैं।
इससे अच्छा है कि हमें यह मनुष्य भाव मिला है, इसमें जैन धर्म उसमें भी भगवान का शासन मिला है, तो कितने हम भाग्यशाली हैं। तो इस मनुष्य भाव का हम मैक्सिमम उपयोग करें ताकि अंतिम समय जब आए हमारा तब हमें पश्चाताप न हो, अरे मनुष्य भाव मिला लेकिन कुछ भी नहीं किया, अब वापस मिलेगा तो मैं बहुत करूंगा, वापस तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी जो मिला है उसका उपयोग कर ले, तभी ये हमारी समझदारी होती है, वरना तो हमारी समझदारी नहीं होती। जब वापस हम सोचेंगे वापस मिलेगा तब हम करेंगे, वापस तो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी जो मिला है उसका उपयोग कर ले। अगर हमने इस जीवन में व्रतों का अच्छी तरह से पालन किया तो निश्चित रूप से सदगति होनी है, फिर सदगति होने से फिर आगे से आगे हमारा विकास होता जाता है। यदि इस जीवन में हमने व्रतों का पालन नहीं किया, नियमों का पालन नहीं किया, तो फिर पता नहीं हमारी कहाँ हो जाएगी गति, फिर तो निकलना बड़ा मुश्किल होगा। बोधि की प्राप्ति यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हमें मनुष्य भाव मिला है उसका हम पूरा उपयोग करें। अब आगे षड्जीव निकाय का विस्तार से वर्णन आएगा, आज हम यहीं से संपन्न करते हैं, या इससे संबंधित किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम।